하나씩 바라가 있어. 귀로 나보라 끌고 싶어. सिकमारो गाइस, आज का वेदर कंडीशन दार्जिलिंग का चारों तरफ कोहरा ही कोहरा अक्टूबर के टाइम में। तो अपनी रूनिन को मैंने यहाँ पे पार्क करके रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर न्यू डे न्यू ब्लॉग, फिर से एक और नई कहानी। तो आफ्टर फोर डेज फिर से मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ, क्योंकि दशहरे के टाइम में कॉफ एंड कोल्ड और थोड़ा बहुत बीमार था, इसलिए मैं कहीं नहीं गया, घर में पड़ा था। तो आज मैं दार्जिलिंग की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत अपने रोनिन में कुछ काम करना है। जैसे कि ये जो रियर टायर है, ये टायर पंचर हो गया। तो बहुत बार यहाँ पे टायर पंचर हुआ है, पता नहीं क्यों इतना बार टायर पंचर हुआ है। शायद दो तीन बार मैंने इसको टायर पंचर ठीक कर दिया, लेकिन फिर से टायर पंचर हो गया। इसको ठीक करना है और आगे का टायर भी चेक करना है। और जो ये चेन का ये पूरा कवर खोल के ये चेन क्लीन और चेन लूब करना है। और अपनी रूनिन थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है ना, तो दार्जिलिंग जाके बाइक को धोएंगे। एडवेंचर राइड के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है। तो बाकी बातें मोटर ब्लॉक स्टार्टअप पे बात करते हैं। चले फिर मोटर ब्लॉक स्टार्टअप पे मिलते हैं। तो चले फिर तकदा से निकलते। तो बहुत सारे काम पड़ा है, इसको चेन लगाना है मेरे को। Yes guys, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, चले आप लोग को बताते हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं नेपाल जा रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल का सबसे भयंकर ऑफ रोड एडवेंचर वाला राइड होने जा रहा है। तो आप लोग शायद नोटिस कर चुके हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ राइड के लिए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना तो बनता है ना। तो देखिए, आप लोग देख सकते हो अपना रोनिन चल चुका है 4306 किलोमीटर। तो अब रोनिन का सेकेंड सर्विस का टाइम होने वाला है। तो अभी तक तो रोनिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। छोटे मोटे इश्यू आए तो आप लोग को मैंने वो ब्लॉक में बता दिया ऑलरेडी। तो मैं पहुंच गए 7 माइल रोड, ठीक है। तो इस रोड से 6 माइल जोर बंगलो दार्जिलिंग इसी रोड से जाता है, और इसी रोड से जोरबंगलो निकल के सिलगुड़ी भी इसी रोड से जाता है। तो ये रोड काफ़ी फाँका और काफ़ी अच्छा रूट है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट काफ़ी डीप फॉरेस्ट है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत फॉरेस्ट। ये चेक मारो गाइस, सबसे पहले तो मेरे को ये जो एयर प्रेशर चेक करना है। तो 100% आई एम श्योर पीछे का जो टायर है वो पंचर हो गया है, क्योंकि बाइक थोड़ा डिसबैलेंस होके चल रहा है ना। तो वो पहले ठीक करेंगे 6 माइल में। फिर टायर पंचर हो दादा, है ना सर, बैक में कति का टायर पंचर हुआ, कति टाइम लगता है गर्दै हाल्नुहुन्छ, बनाइदिई हाल्नुहुन्छ। हाँ, मुझे लगता था ये टायर पंचर हुआ है। तो ये चेक मारो गाइस, ये कील घुसा है, बहुत ही बड़ा कील घुसा है अंदर में। अम्बो कत्रो पसेस है। ये चेक मारो गाइस, कील इतना बड़ा कील घुसा था टायर में भाई। कति पल्ट बनाइस क्या तब टायर में, मेरे 3 पल्ट भाई इस कहपल्ट 17 पल्ट अम्बो कति लिन्न भन्नु 17 पल्ट अन्त त्यो भन्दा टायर किन थिएन हजुर तो रियर टायर जो टायर पंचर हुआ था वो हो चुका है ठीक। तो आगे का तो ठीक ही है। तो निकलते फिर यहाँ से।
धीरे धीरे करके दार्जिलिंग में ठंड बढ़ रहा है क्योंकि अब विंटर आने वाला है ना। और दादा के यहाँ पे एक लड़का 220 बाइक लेके टायर बनवाने के लिए आया था, ठीक है। तो उसका जो रियर टायर था उसमें बहुत जगह पे टायर पंचर हुआ था। तो तब जब दादा ने उसका टायर चेक किया तो उसका टायर में 17 टाइम्स छेद हुआ था, ठीक है। तो वो लड़का क्या बोला, ठीक है, तो बनवा दीजिए, कितना लगेगा। तो दादा बोला आपको टायर बनवाने का 1700 लगेगा। तो वो लड़का बोला ठीक है बनवा दीजिए। तो वो लड़का ने 1700 पे करके वहाँ पे टायर बनवाया 220 का बैक का टायर। ओ भाई साहब, 220 का टायर पंचर 1700 पे करके बनवाया लड़के ने। अरे 1700 में 600-700 खर्च किया तो फिर नए टायर आ जाता ना। अरे कैसा लड़का है भाई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो तो हाम्रो भाई तो दिल्लीमै छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ नि हो, दिल्लीमै छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ नि। लु त नापा अगाडि। तो ओके, मैं पहुँच गए 3 माइल पे छिरिङ भ्यागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपना रोनिन क्रास हुआ था ना, एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ का जो अनटूट लिखा था ये मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पे अनटूट लिखा है, लिखना है क्योंकि ये आधा अधूरा रहेगा ना, इसलिए यहाँ पे अनटूट लिखना है मेरे को। त्यो निकाल्नु पर्दैन होला पहिला लेखेको कि, एकपल्ट आउँदा हेर त। यो निकाल्नु पर्छ, निकालेर एकैचोटि लेख्नुपर्छ कि यसमा अनटोल मात्रै लेख्दा हुन्छ, यो ननिकालिकन है। यो चिकर गाइस, अब हो चुका होइन कम्प्लिट एडभेन्चर्स अनटोल्ड। ओके, निकल्दै फेरि यहाँ से हे चेक मारो गाइस, इतना तगड़ा जाम दार्जिलिंग में। ये जाम एक्चुअली वो टूरिस्ट के आने कारण से इतना तगड़ा जाम है दार्जिलिंग में, क्योंकि अक्टूबर से सीजन स्टार्ट हो चुका है ना टूरिस्ट का। जो ऊपर से ये दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का ये पटरी है, ये पटरी कारण से ये रोड को थोड़ा बहुत वाइड भी नहीं कर सकते ना। तो ये जो अपना जो ये सेज गार्ड है ना, सेज गार्ड को लास्टिक थोड़ा लूज हो गया, इसको ये चेंज करना है क्योंकि 2 वर्ष पहले बनवाया था, वही लगा रहा हूँ। तो बहुत ही लूज हुआ है, इसको थोड़ा टाइट करना है, इसको निकाल के दूसरा लगाएंगे। और जो ये नी गार्ड है ना, ये अपना एक्सीडेंट हुआ था हंटर हंटर लेकिन जब मुस्तांग राइड किया था ना उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, तो ये चेक करें, ये पूरा लूज हो गया, इसको भी ये चेंज करेंगे, दूसरा वाला लाएंगे इलास्टिक। यो हेर भाई भाई चेन्ज गर्नुपर्छ है, अलिक लुज भइरहेछ क्या यसो लाउँदा, टाइट गरिदिऊ ल। यो पनि यो चाहिँ उल्टा भइरहेछ। ब्रेक प्याड चेक गरिदिनुहोस् न अगाडिको ब्रेक प्याड, रोनिनको कति थाम्छ। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू दाजु। के गाइस, हुन्छ हुन्छ गाइस। त यो बजारमा एक छोटा सा काम था, वो काम हो चुका है कम्प्लिट। और घर का एक पूजा का सामान भी लेना था, वो भी ले लिया। और मैंने यहाँ पे टीवीएस शोरूम वर्कशॉप में जाके टेक्नीशियन से बात किया। तो आगे का पीछे का ब्रेक पैड ठीक ही है, तो चेंज करने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन मैंने आरिसा टीवीएस शोरूम से आगे का और पीछे का ब्रेक पैड ऑलरेडी मैंने खरीदा था, तो वो भी कैरी करेंगे
क्योंकि वो जो रास्ता है ना बहुत ही अपहिल और डाउनहिल का रास्ता है ना, तो ज़्यादातर ब्रेक यूज़ होगा, तो कुछ कह नहीं सकता ना। ये जो मेरा हैंड गार्ड है राइट साइड का, ये थोड़ा ढीला हो गया है, इसी कारण से टाइट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर, हाँ नीचे की तरफ गया है ना, हाँ अब टाइट करिए, तो हो गया मामा। अरे सर क्या कैमरा में देखो ना, कैमरा में देखिए पूरा हाथी लाओ। ठीक है, थैंक यू मामा। तो पिछली बार गिरा था ना उस टाइम यहाँ पे लूज हुआ था, तो ये मैंने टाइट कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली ये मेरा घर का सामान है के निकलते फिर यहाँ से। हाँ चलिए फिर वो डुंगम लाएगो। ओ यहाँ पे एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद ओवर स्पीड के कारण से वो पत्थर से, बड़ा पत्थर था ना, वो पत्थर में टकरा गया। हेलमेट दामी रहेछ तिम्रो, अन्त युनिक युनिक रहेछ त, अन्त ल एउटा फड्किन्छ ल। अनै छ के हो तिम्रो नाम चाहिँ? दिप किरण सेभेन, दिप किरण सेभेन अगाडि छ नि नाम। ला लडे नानी, यता पिछाडिबाट खिच ल त। जो नेपाल राइड के लिए मोटा मोटी तैयारी हो चुका है रेडी, तो सबसे पहले राइडिंग बूट तो नहीं है लेकिन फिर भी ये जो वाटरप्रूफ बूट जो कि मैंने अरुणाचल से लिया था यही पहनेंगे राइड के दौरान, और राइडिंग जैकेट राइडा का और टैंक बैग यही कैरी करेंगे राइडिंग गियर्स का, और ये बर्तन और नीगार्ड और टैंक बैग राइडिंग गियर्स का, और ये बर्तन और ये पोर्टेबल गैस स्टोव और सिलेंडर और ये जो आटा नूडल्स जो कि मैंने पतंजलि से ख़रीदा था ये सब कैरी करेंगे। ये विंडशील और मैंने ये थोड़ा बहुत मेडिसिन भी कैरी किया हूँ क्योंकि इसमें हेडेक का और ये जो गैस का और वो पैरासीटामोल भी कैरी किया हूँ, और ये जो राइडिंग ग्लोव्स क्या होता है कि ठंड के मौसम में ठंड से बचाता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है ये थर्मल का ये राइडिंग ग्लोव्स, और दूसरा ये जो मैंने ये जो इनर लाइनर जो कि थर्मल का है बहुत ही वार्म रखता है बॉडी को, और दूसरा ये जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था ये जो फेस मास्क जो कि थर्मल का है बहुत ही प्रोटेक्ट करता है ठंड से, तो ये भी कैरी किया, दो मैंने मास्क कैरी किया हूँ ये, और ये गर्मी के मौसम में और ये ठंड के मौसम में। अमर का बेल्ट जो कि मेरा बैक पेन का शिकायत रहता ना, इसी कारण से मैंने कमर का बेल्ट भी कैरी किया हूँ। ज़्यादा सामान कैरी नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत जो नेसेसिटी है वही कैरी किया हूँ इस राइड में, क्योंकि दो तीन दिन का ट्रिप तो है, तो इतना ही है दोस्तों। ठीक सर, ओके गाइस, तो अभी लाइट चला गया ना, इसकी वजह से मैंने ये बैकग्राउंड में थोड़ा लाइट जला के आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो यही था राइड के बारे में, तो आप लोग को राइड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और अपडेट देना तो बनता है ना, तो बहुत जल्द संजय बुबू और मैं हम दोनों मिलके नेपाल राइड जो कि एक्सट्रीम एडवेंचरस राइड होने जा रहा है, तो आप लोग को अपडेट देना था। तो आज का वीडियो यही था, आई होप कि आप लोग को पसंद आए हो, यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ये ब्लॉग करते एंड, मिलते हैं आप लोग सीधा फिर नेपाल राइड में। Take care and love you all.